मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया स्मार्ट डस्टबिन। स्मार्ट डस्टबिन मेरा बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, जो आपको पता नहीं होगा कि हमारे देश में एक दिन में कितना कचरा फैलता है। एक दिन में आपको विश्वास नहीं हो सकता 12 लाख टन, जिसको रखने के लिए दो एक फुटबॉल ग्राउंड भी कम पड़ेगा। आपको ये भी पता होगा कचरा हमारे देश में ज्यादा है वो प्रॉब्लम नहीं है, इधर उधर फैलाने की प्रॉब्लम है, इधर उधर फेंका जाता है। यह हमारी सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है कि वो बोले गीला कचरा गीले में डाले, सूखा कचरा सूखे में डाले, उसके लिए अलग अलग हर जगह डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि गंगा को क्लीन करने के लिए कितने सारे पैसे खर्च कर चुके हैं, तो भी आज तक गंगा क्लीन नहीं हो पाया। उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट डस्टबिन। आप ये सोच रहे होंगे स्मार्ट डस्टबिन इसमें क्या है, कचरा अलग अलग कुतबा को करता है, या कचड़े वाले ट्रक आता है तो कचड़े वाले के पास जाता है कुतबा को, या अपने पास कुतबा खुद है या अपने आप बंद होता है अपने आप खुलता है, ऐसा सोच रहे होंगे। पर इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल उससे भी ज्यादा, आप उतना सोच भी नहीं सकते हैं, वो सब कुछ वो इसमें है। आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी इस डस्टबिन का फायदा क्या है। ये डस्टबिन सारे कचरे सेंस करके लेगा, ऑटोमेटिक वेट करेगा सब कुछ। पर इसमें आपको मेन एम इसका मैं बताता हूँ कि इस डस्टबिन में कचरा डालने से आपको पैसे मिलेंगे। आपको आप पेप्सी पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, तो उस बोतल पे भी लिखा होगा उसमें उसकी बोतल की कीमत 1 रुपया, आप उसको रिसाइकल कर लेते तो 1 रुपया मिलता है। अब मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ इसमें होगा क्या और करेगा क्या। आपको फर्स्ट कोई भी कचरा फेंकने के लिए आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपली आके अपना आधार कार्ड स्कैन करवाना है या अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करवाना है। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद इसमें आपको बस नेक्स्ट बटन दिखेगा, उसमें आपको दिखा दिया आपने फिंगरप्रिंट स्कैन करवा लिया, उसके बाद वापस नेक्स्ट क्लिक करना है। तो आपका अकाउंट का डिटेल जो भी आपका अकाउंट, आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने जनधन योजना या सारे योजनाएं हैं उससे सारा का सारा, या बच्चा या 3 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग, उसका भी अकाउंट बन चुका है। गांव या छोटे से गांव या बड़े से है, सबका अकाउंट है, इसलिए हमने इसको आधार कार्ड से लिंक किया है। उसके बाद आपका आधार कार्ड जैसे ही स्कैन होने के बाद आपका सारा डिटेल आ जाता है। डिटेल आने के बाद आप इसमें नेक्स्ट क्लिक करें। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपने इसमें बेस्ट दिखाता है, आपको बेस्ट कौन सा वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक मेटल ड्राई वेस्ट वेस्ट वेस्ट, तो आपको इसमें सिंपली चूज करना है। जैसे मेरे पास मेटल है तो मैं सिंपली मेटल चूज करता, तो बोलेगा आपका वेस्ट चेक करो मेटल है या नहीं। जैसे आप बैंक में पैसे डालते हैं तो आप मशीन आ गई है तो आपको डालने से पहले चेक करते हैं, प्लीज चेक या नोट या कुछ भी, तो उसमें इंक डिटेक्टर लगा होता है। इसी तरह इसमें सारे डिटेक्टर लगे हुए, सारे सेंसर लगे हुए, इसलिए आपको चेक वेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यस क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद आपको सिंपली बताएगा कि आपने वेट को स्कैन करवाया, तो ये हर एड्रेसिंग के सामने सेंसर लगा हुआ है, तो सेंसर पे सिंपली स्कैन करवाना है। जब आप सिंपली स्कैन कराओगे तो ये डस्टबिन आपको खुल जाएगा। उसको खुलने के बाद आप जो भी कचरा हो आप इसमें डाल दीजिए, डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और उसको चेक भी करेगा, अंदर भी चेक करेगा कि आपका कचरा परफेक्ट है या नहीं। आपका अगर कचरा परफेक्ट नहीं रहेगा तो उसको बाहर फेंक देंगे। पर आपको पता है प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट 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 उसमें अलग अलग सारे फंक्शन है। प्लास्टिक वेस्ट पे कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर क्यों लगाया है, किससे लगाया है, आपको पता है इंडिया के लोग, इंडिया हमारा इंडिया कैसा है, बहुत आगे जा चुका है। आपको कहीं भी फायदा हो या कुछ भी हो तो पब्लिक उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल पत्थर हुआ लिक्विड हुआ सब डाल के डाल देगी, क्योंकि मेरे कचरे का वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक को पैसे मिल रही है तो वो वेट बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा डालेंगे। इसलिए उसमें कंप्रेसर लगाओ कि सारा उसमें लिक्विड हो, अगर कुछ और मटेरियल आ रहा हो तो उसको बाहर फेंक दे या साइड में कंटेन कर दे और सिर्फ कचरे का वेट करे। उसी तरह इसमें प्लास्टिक सेंस करेगा। उसको सेंस करने के बाद आप इसे सिंपली नेक्स्ट क्लिक करें तो आपको मेटल वेस्ट कितना है, प्लास्टिक वेस्ट कितना है, आई डोंट नो बॉक्स में हमने लगाया है। आई डोंट नो में हमने इसलिए लगाया कि किसी को सिंपली नहीं पता ये कौन सा कचरा है, इसको क्या कौन सा कचरा बोलते हैं, मेटल में आता है या प्लास्टिक में आता है, इसके लिए हम लोग आई डोंट नो बॉक्स लगाया है। सिंपली वो आई डोंट नो बॉक्स में क्लिक करके डाल सकता है। इधर ही देखिए आप सारे सब टोटल हो चुका है, कंपनी का सारा अमाउंट हो चुका है। इसमें एक बेनिफिट सबसे बड़ी ये पब्लिक को फायदा तो पहुंचाता है पर साथ में गवर्नमेंट कंपनी आप सोच रहे कंपनी को कैसे गवर्नमेंट को कैसे फायदा पहुंचाएगा। तो आप जो भी कचरा डालते हैं इससे आपको 20 रुपए का कचरा होगा, तो उसमें आपको जैसे लोकल 1 रुपए 1 किलो है वो आप सिंपली 20 रुपए में बेचते, तो या 20 रुपए बेचते तो मार्केट में जाता है 30 रुपए किलो, या कोई भी आपके पास लेके जाता है तो 20 रुपए किलो लेके जाता है और मार्केट में कितने 30 रुपए किलो, तो उसमें आपको गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली 20 रुपए पे करेगी।
और बाकी जो भी कंपनी या बड़ी बड़ी सोसाइटी या जो भी होगा, जो भी एस्टैब्लिश करेगा, उसके वो कंपनी को 5 रुपये प्रॉफिट होगा, उसको सिर्फ वो कचरे 25 रुपये में फेंकने पड़ेंगे, और 25 रुपये उसको गवर्नमेंट कंपनी को फायदा हुआ, 5 रुपये गवर्नमेंट के पास जाएगा, 5 रुपये गवर्नमेंट को फायदा हुआ, या बाकी 20 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद आप सिंपली नेट, इसमें ढेर सारे ऑप्शन भी आएंगे, आपको तुरंत पैसे चाहिए या मंथली में चाहिए या अकाउंट में क्रेडिट चाहिए, तो आपको जैसे चाहिए, तुरंत चाहिए तो तुरंत, मंथली चाहिए तो मैं मंथली कर, तो मैं मंथली क्लिक करके रखा और डायरेक्टली मैं क्लिक किया तो आपको तुरंत ऑप्शन दिखा देगा कि आपका पैसा डायरेक्टली सक्सेसफुली बैंक में क्रेडिट हो चुका है। आपको इसे, मैं चाहता हूँ कि इसे गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश करें, या हर साल कोई भी प्राइवेट कंपनियां होती है वो एस्टैब्लिश कर सकती है, बड़ी बड़ी सोसाइटी, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आप इससे फायदा क्या होगा, कंपनी को क्या फायदा होगा इसको डालने से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी को कार्बन फुटप्रिंट मिलते हैं, वो जितना पॉल्यूशन फैलाते उतना पॉल्यूशन को रिड्यूस भी करना पड़ता है, तो वो इसलिए उससे लगा सकती है, उसका मेंटेनेंस सारा कंपनी उठा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। थैंक यू।